क्या लेते थे अब खा पी के? क्या बचाना है इंडिया में? अच्छा, इंडिया में कितना बच जाएगा? 10 से भी कम बचता था। अच्छा, तो उन्होंने बात कराई, फिर इंटरव्यू दिया कि होटल का काम करता है लड़का, रेस्टोरेंट में किया इन्होंने काम जी, तो पैरल ग्रुप कंपनी में इंटरव्यू दिया तो क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद तो वहाँ पे जो आपका जो इंटरव्यू हुआ था दिल्ली में, कुछ बता सकते कहाँ पे ऑफिस था? साल में जाए ना तो टिकट का पैसा नहीं लेंगे। हाँ, ये ना पैसा देंगे ना टिकट का पैसा देंगे, तो ना आपको जो सैलरी मिलती है उसका पैसा देंगे। अगर 2 साल में जाते हैं तो टिकट का भी पैसा। पहले तो आप बताएं कि आप यहाँ पे जॉब के लिए इंटरव्यू देने आए थे कि? ना ना ना, अच्छा आपको जैसा लग रहा था मुझे कि इंटरव्यू देना है। तो भाई मैं 5 मिनट आपसे बात करूंगा क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाता हूँ आपकी लाइफ के बारे में, कतर की लाइफ के बारे में, तो क्या हम बात कर सकते हैं? चलिए भाई, थैंक यू सो मच, आ जाओ इधर आओ सन्नाटे में। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन समर 007 व्लॉग। तो दोस्तों अभी मेरे साथ ये भाई है, भाई को जानते नहीं लेकिन भाई यहाँ पे रुके हुए थे, भाई से हमने परमिशन ली, भाई से बात करेंगे। तो भाई पहले तो आप ये बताइए आप कहाँ से हो? मैं हूँ पंजाब से। पंजाब, इंडिया पंजाब की खाली? पंजाब, इंडिया पंजाब से। तो पहले इंडिया बोलो फिर पंजाब बोलो, इंडिया पंजाब, क्योंकि पता नहीं चलता है ना, क्योंकि क्या है ना, क्योंकि केरला वाले बोलते हैं ना केरला, तो थे तुम भी पंजाब, कौन सा पाकिस्तान, इंडिया, तो इतने कंफ्यूज रहेगा ना आदमी। हम जलंधर से हैं, जलंधर। अच्छा, तो भाई आप ये बताओ अभी आपको कतर में कितना टाइम हो गया है? मेरे को हो गया 6 मंथ यहाँ पे। अच्छा, 6 महीने हो गए। तो कैसा चल रहा है सब? कैसा? ठीक, अच्छा चल रहा है। अच्छा, स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी बट अब ठीक है थोड़ा सा। अच्छा, तो हम इसी विषय में बात करेंगे। तो ये बताइए अभी आपको कितना टाइम हुआ कतर में आए? अभी मेरे को 6 महीने पूरे हो गए। 6 महीने हो गए, तो 6 महीने पहले आप कतर आए? 6 महीने। इससे पहले कौन सी कंट्री में थे भाई? पहले मैं इंडिया में था। इंडिया में कहीं और नहीं गए? कहीं और नहीं गए। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है समीर खान। समीर खान, समर खान, समीर खान, मेरा नाम समर है। अच्छा समीर भाई, ये बताइए तो आपने इंडिया में जॉब करी, अब यहाँ है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो? इधर मैं रेस्टोरेंट में हूँ। रेस्टोरेंट में? रेस्टोरेंट में आप किचन में हो कि वेटरेस में हो कि काउंटर पे हो? किचन में। मैं बनाता हूँ क्रैप। क्रैप क्या होता है? जो चॉकलेट में डिश बनाते हैं। अच्छा, चॉकलेट डिश। अच्छा, चॉकलेट डिश होती है वो बनाते हैं भाई। अच्छा भाई ये बताओ आप जब यहाँ पे आए हो तो इससे पहले आपने कितने साल इंडिया में काम किया? इंडिया में मैंने किया 3 साल काम। 3 साल इंडिया में काम किया था। अच्छा, क्या काम किया था वहाँ पे? मैं चंडीगढ़ सबसे पहले मैंने सर्विस में किया। अच्छा, सर्विस में मैं रूम बॉय का काम किया। अच्छा, रूम बॉय, रूम होटल में? हाँ, होटल। और उसके बाद थोड़ी सी घर में फैमिली की प्रॉब्लम पड़ गई, पापा मेरे एक्सपायर हो गए। अरे, फिर इंडिया में फिर घर पे आना पड़ा। अच्छा, फिर घर की थोड़ी सी जिम्मेवारी, तो फिर इंटरव्यू कहीं काम मिलता नहीं था, फिर मेरे जीजू लेके गए दिल्ली में। अच्छा, फिर मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में। अच्छा, तो यहाँ पैरल ग्रुप कंपनी है। हाँ, वहाँ में इंटरव्यू दिया तो यहाँ सब क्लियर हो गया। तो यहाँ तो कैसे, मतलब आपने इंटरव्यू दिया तो कैसे हो गया? पहले तो ये बताइए आप लोग कितने लोग हैं? मेरे फैमिली में मेरा एक भाई है, एक भाई, सिस्टर है। तो छोटा भाई, बड़ा है? बड़ा भाई है। बड़ा भाई है। और पापा का क्या, तबीयत नहीं ठीक थी? पापा का कैंसर था। यार बहुत सैड वाली स्टोरी थी कैंसर की। तो क्या था, ब्लड था क्या, कौन सा था? लंग कैंसर। लंग कैंसर, तो कैसा सरवाइव किया उन्होंने? सरवाइव की क्या बात, 5-6 मंथ जब स्टार्टिंग में चेकअप करवाया तो उतना तो आया ही नहीं, तो जब 2-3 मंथ जैसे जैसे गुजरते गए वैसे लास्ट में देखा तो लास्ट। तो भाई आप कैंसर के बारे में बात कर रहे थे, कैमरा बंद हो गया था तो अभी कैमरे को चालू कर लिया। तो भाई यहाँ क्या कर रहे थे, मतलब कब पता चला था कि इनके कैंसर है? पापा को वैसे पता ही नहीं था, बस गले में ऐसे कोई खाना खाते थे तो चीज़ अड़क जाती थी। अच्छा, तो वैसे बोलते कि अड़कती है चीज़। अच्छा, तो हमने चेकअप कराया, चेकअप में कुछ नहीं आता था। फिर हम जब बड़े हॉस्पिटल में गए, वैसे पैसे की घर में प्रॉब्लम होती है आपको पता ही है कि गरीब घर में कितना होता है, तो जब चेकअप करवाया तब भी कुछ नहीं आया, तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा करो आप PGI ले जाओ। PGI लेके जाओ हिमाचल में। हिमाचल में भी? हाँ, तो PGI में फिर क्या हुआ? PGI में उन्होंने चेकअप किया, चेकअप के उसने सिर्फ ये बोला कि थोड़ा सा हमें सैंपल चाहिए गले का अंदर का, यहाँ पे थोड़ी सी गिल्ट थी यहाँ पे, तो सैंपल लिया। सैंपल के बाद जब चेकअप किया तो उन्होंने सीधा जवाब दे दिया कि ना स्टेज है, कुछ नहीं हो सकता। बहुत लेट हो गए थे इतना? लेट हो गए। अच्छा, मेरे पापा की भी ब्लड कैंसर है और हमारा भी बहुत उसमें टेंशन हो गया था, कुछ बहुत डिप्रेशन में भी थे,
खैर अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, क्योंकि जब वो उनके हुआ शुरुआत थी तभी पता चल गया था। तो हमने उसको अच्छे से केस फॉलो किया, और जो उनके था वो बहुत लो वाला था, हाई वाला नहीं था जो डॉक्टर ने बताया, और पहले पता चल गया तो केस बढ़ नहीं पाया, तो इलाज चल रहा है पर, लेकिन बहुत कॉस्टली इलाज का इसलिए पता नहीं चला क्योंकि उनकी शरीर भी बढ़िया था। अच्छा, जैसे कमजोरी नहीं थी शरीर में, अगर कमजोरी हो शरीर में तो इंसान को पता चल जाए कि लग जाए कि वैसे। अच्छा। शरीर में पता नहीं। चलिए यार अल्लाह पाक वो करे। कई साल की बात है भाई ये? ये हो गए 2 साल। 2 साल पहले की बात है। तो अभी आप वो जिम्मेदारी निभाने के लिए परदेश आए? बस जिम्मेवारी है, फैमिली की जिम्मेवारी है। अच्छा, जिम्मेवारी निभानी है। अच्छा चलो ठीक है यार, अल्लाह पाक वो करेगा, हौसला रखो, सब ठीक है, दुनिया में जो आया उसको जाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, तो जब आप इंडिया में जॉब कर रहे थे और ऐसी ऐसी बात हुई, तो आप जब इंडिया अपने घर पहुँचे जलंधर में थे आप? हाँ जलंधर। तो वहाँ पे जब जॉब करते थे कितने पैसे आपको मिलते थे? वहाँ पे मिलता था 15,000। 15,000 कितना बचा लेते थे आप खा पी के? क्या बचाना इंडिया में? अच्छा, इंडिया में कितना बच जाएगा? 10,000, 10 से भी कम बचता था। अच्छा, तो फिर आपका यहाँ पे आना कैसे हो गया? फिर ऐसा हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ गई पापा जाने के बाद जी। फिर जो मेरी सिस्टर की मैरिज हुई है, फिर जो मेरे जीजू है वो कतर में काम करते हैं। अच्छा, उनको हो गया 12 साल हो गए यहाँ पे काम। अच्छा। करते हुए फिर कोई एजेंट कोई अच्छा था उनके वाकफ से जी, तो उन्होंने बात कराई, फिर इंटरव्यू दिया कि होटल का काम करता है लड़का, रेस्टोरेंट में किया हमने काम जी, तो पैरल ग्रुप कंपनी में इंटरव्यू दिया तो क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद तो वहाँ पे जो आपका जो इंटरव्यू हुआ था दिल्ली में, कुछ बता सकते हैं कहाँ पे ऑफिस था? ऑफिस था दिल्ली, इतना तो मेरे को याद नहीं है। अच्छा, पर दिल्ली में था। अच्छा, दिल्ली का। तो वहाँ पे जब आप गए थे इंटरव्यू के लिए जब पैरल में, तो क्या वहाँ पे वैकेंसी थी क्या? हाँ वैकेंसी थी। तो कितने मतलब उन्होंने कितना दिल्ली में कहाँ पे, कुछ आइडिया बताओ, लैंडमार्क कोई आइडिया? आइडिया लाल किला के पास है वो। अच्छा, तो वहाँ पे वैकेंसी थी जब आप वहाँ पे गए? वैकेंसी थी। तो वहाँ पे आप तो उन्होंने कुछ चार्जेस भी लिए थे? नो नो, चार्जेस कोई नहीं, बस ऐसे डायरेक्ट। तो डायरेक्ट जब आपने इंटरव्यू दिया तो वहाँ पे जो वैकेंसी थी, तो वो कुछ जो नए लोग हैं उनकी भी थी खाली, बस आप ही लोग? नहीं नहीं नहीं, उसमें थे 20 लड़के, 20 लड़कों में मेरा बस 10 लड़कों का इंटरव्यू क्लियर हुआ। अच्छा, तो वहाँ से ऑनलाइन डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ था? अच्छा, तो वहाँ से जब आप भी, इसलिए हुआ कि वो जो लड़का था ना वहाँ का दिल्ली में, जो एजेंट के साथ में रहता था लड़का, उसकी हेल्पर ही मान के चलो, जो हेल्प करता था, उसने बात करवाई थी हमारी। अच्छा, वहाँ पे जो था तभी हुई थी? हाँ। अच्छा ये बताओ, तो वहाँ पे आपके पैसे बिल्कुल नहीं लगे? बिल्कुल नहीं लगे, 50,000 खर्चे आया ना। हाँ, तो वहाँ पे लिया था कि टिकट का लिया था? नहीं नहीं, टिकट का लिया था, टिकट का, बाकी सब उन्होंने एक्स्ट्रा अलग से लिया। अच्छा, तो आप जब यहाँ पे आ गए इंटरव्यू हुआ, तो उसमें क्या आपकी एग्रीमेंट वही पेपर पहुँचा था कि बाद में एग्रीमेंट पेपर? ना ना, एग्रीमेंट वहाँ पे हुआ। तो क्या एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा हुआ था? एग्रीमेंट में यही लिखा था कि आप 2 साल से पहले आप इंडिया नहीं जा सकते। अच्छा, और इंडिया में अगर इंडिया पे जाते हो तो आपको जैसे कि 3,000 रियाल कुछ पर देना पड़ेगा आपको वापस, 6 महीने से पहले अगर गए। 6 महीने से पहले? 6 महीने तक रुकना ही है? हाँ, रुकना रुकना। तो उसके बाद 1 साल में जा सकते हो? जी, एक साल में। कितने दिन की छुट्टी? 1 साल में आपको 30 मिलती है, और टिकट? टिकट नहीं मिलती, 2 साल में मिलती। अच्छा, 1 साल में आपको 30 दिन की 35 दिन की छुट्टी है, लेकिन टिकट नहीं है, टिकट मिलती 45 दिन की छुट्टी होती है गवर्नमेंट की शायद। तो 1 साल में जो, ना ना, यहाँ पे पता क्या रूल है, इन्होंने रूल क्या किया है, एक अगर साल में जाए ना तो टिकट का पैसा नहीं लेंगे। हाँ, ये ना पैसा देंगे ना टिकट का पैसा देंगे, तो ना आपको जो सैलरी मिलती है उसका पैसा देंगे। अगर 2 साल में जाते हैं तो टिकट का भी पैसा देंगे और आपको सैलरी भी मिलेगी। अच्छा, तो मतलब ये कहने का इनका जो एग्रीमेंट है उसमें लिखा है साफ साफ कि 1 साल में अगर जाते हो तो आपको टिकट अपना लेना होगा, फिर आप 30 दिन तक रुक सकते हैं। अगर 2 साल में जाओगे तो कंपनी आपको टिकट देगी, जो 45 दिन और 2 महीने की छुट्टी देगी, उसकी सैलरी भी आपको देगी। सैलरी देगी। अच्छा, तो और बाकी, हाँ ये था, 6 महीने आपको रुकना है, 6 महीने तक रुकना, क्योंकि कंपनी भी इतना पैसा लगा रही, इन्वेस्ट कर रही है, और उनका टिकट का खर्चा, उनका टिकट अगर सब खर्चा उनका, वो तो 40-50 हज़ार खर्चा आ जाता है। एडवांस देना पड़ता है ना, आगे परचेस कर लेते हैं 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने के बाद दे देते हैं। अच्छा, वो एजेंट दे देता है वापस? ना ना, कंपनी वाले देते हैं। अच्छा, कंपनी पहले लेती है टिकट का, बाद में 6 महीने हो जाए दे देती है? ऐसा नहीं ना कि कंपनी पहले, हम कंपनी वैसे दे दे, बाद में हम जाए नहीं। हाँ, बाद में हम आए यहाँ पे। अच्छा, तो जब तुम शुरू में आए हो तो एग्रीमेंट पे कितनी सैलरी थी तुम्हारी? मेरी थी 2050। अच्छा, रूम उसी में था? हाँ, रूम अपना परचेज है, बट उसमें ये था कि हमें ओवर टाइम और इंसेंटिव अच्छा मिलता है। अच्छा, तो ये बताओ यार, जो जो एग्रीमेंट पे था वो
वही सब है, मिल रहा है सब। क्या घंटे ड्यूटी रहती है मेरी? 9 घंटे की ड्यूटी, जो एग्रीमेंट में लिखा था, क्योंकि बीच में लंच का टाइम हो जाता होगा तो इसलिए 9 घंटे। हाँ 9 घंटे की ड्यूटी है, एक ब्रेक। हाँ ब्रेक, 1 घंटे का ब्रेक। तो सैलरी जो लिखी थी आपको जब यहाँ पहुँचे तो सैलरी चालू हो गई थी? हाँ सैलरी चालू हो गई। तो कुछ दिन होटल में रखा था कि डायरेक्ट आपको? हाँ 9 दिन में होटल में रखे। उसके बाद क्या कहा था कि आप रूम देख लीजिए अपना? हाँ रूम के लिए। फिर आपने रूम शेयरिंग पे ले लिया? हाँ रूम शेयरिंग में, जो एक दो दिन स्टार्टिंग के निकालने हैं फिर वो दिक्कत आई। क्या क्या आई दिक्कत बताइए जो नए लोग आना चाहते हैं? दिक्कत ये है कि कोई भी अगर बंदा घर से निकलता है तो उसको, जैसे कि हम चलो इंडिया की बात अलग है, अगर हम कहीं बात प्रदेश में अगर हम जाए तो भाई बहुत दिक्कत आती है। अच्छा, रूम बहुत ज्यादा टेंशन बहुत हो जाती है, टेंशन बहुत हो जाती है अगर कहाँ से रूम, और इतनी छोटी सी जगह से इतनी बड़ी जगह पे आना और रूम ढूंढना बहुत मालूम भी नहीं है, कुछ पता भी नहीं, नए आदमी के लिए अगर कोई रिश्तेदार हो तो बात अलग है, कौन सी गाड़ी पर कैसा लेना कैसे नहीं। अच्छा तो कंपनी जो है जब आपको यहाँ लाई थी 2200 सैलरी बताए, 2000 रुपए 2050 सैलरी थी, तो जब उसने आपको कहा कि अब अपना रूम लेके रहिए खर्चा पूरा आप करेगा ट्रांसपोर्ट आप करेगा, तो क्या कितना हो जाता टोटल, वो कितना दे देती थी महीने में? तब भी रेंट सब मिला के, मतलब जो क्या मतलब बताया आपने रूम का खर्चा देती होगी वो सब दे के कितना हो जाता था आपका? मेरा टोटल हो जाता था 2200। तो इसी में खाना रूम सब अपना है? हाँ इसमें, बट इसमें हमारा ओवर टाइम मिल जाता है ना। वही तो मैं पूछ रहा हूँ टोटल तुम कितना बचा लेते थे जॉब? अच्छा पूरा बचाने की बात करो, जो कंपनी कैसे देती थी 2250 दे रही है तुमको जॉब का, कंपनी तो क्या रूम का भी देता है कुछ? रूम का नहीं देता। हाँ तो क्या देते हैं? वो उसमें पहले था कि आपका रूम रहेगा 2050 सैलरी देंगे, लिखा हुआ था। लिखा हुआ था। अच्छा तो ये अभी तो 2200 कैसे हो जाती थी आपकी? 2200-2500 भी हो जाती है। नहीं ओवर टाइम नहीं, वो जो आप बता रहे हो 2200 सैलरी देते थे, इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या होता है? 1 वीक का मिलता है जिसमें हम टारगेट अचीव करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई अच्छा उसके बाद ये बताओ ओवर टाइम भी था उसमें मिलता था आपको? हाँ ओवर टाइम कई घंटे कर लेते थे? ओवर टाइम कभी कभी होता है जैसे कि बहुत बिजी हो जाए। अच्छा जल्दी बताइए तो, महीने एक एक अभी 6 महीने हो गए, महीने में कितना ओवर टाइम आप कमा लेते हैं ये बताइए? 200 भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी 200 महीने में कमा लेते हैं भाई, और 22 वो हम दिल्ली हटा देंगे, इतना घबराइए नहीं। 200 महीने में 200-300 तक बचा लेते हो, तो इनका टोटल कितना पड़ जाता है आपको? 2500-2600-3000 कितना? 2600-2700 तक बन जाता है, 2600-2700 हो जाता है फिर। अच्छा अब उसके बाद ये बताओ रूम का किराया कितना देते हो? रूम का किराया 300 रुपया। 300 रुपया खाने में कितना खर्चा हो जाता है? 100 रुपया खाने में। 100 रियाल क्यों, बड़ा कम खर्चा है? दो टाइम का इधर मिल जाता है ना, एक टाइम का हाँ। एक टाइम का यानी वो भी पेट भरा रहता है, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाता है, खाने का खर्चा नहीं है, बस 100 रियाल इनका खर्चा है खाना रेस्टोरेंट का है। अच्छा भाई ये बताओ आपका 300 रियाल रूम का हो गया, तो एक रूम में कितने लोग हैं? एक रूम में हम 6 लड़के हैं। बड़ा रूम है? हाँ बड़ा रूम है, पंजाब से। कितना किराया है उसका? उसका 2700 किराया, तो सब मिलजुल के देते हो 300 आता है। तो सफाई फाई का क्या रहता है, टाइम टू टाइम की अपनी अपनी बारी में रूटीन लगाई होती है ना, जैसे जिसका ऑफ है वो पूरा सफाई करेगा। अच्छा तो और ये बताइए आप ये जो आपका यानी 300 वो 100 रुपए अपना खर्चा, तो मोबाइल वोबाइल का भी खर्चा रहता है कुछ? मोबाइल का खर्चा नहीं। अच्छा हर जगह, हर जगह रूम में वाईफाई लगा हुआ है। अच्छा कंपनी का अपना वाईफाई चलता है। तो महीने में खा पी के यहाँ पे कितना बचा लेते हो तुम? महीने का बचाने 40,000 समथिंग 40,000 इंडिया का बच जाता है। यहाँ का कितना? यहाँ का 2000 मान के 2000 बच जाता है मेहनत करते हैं, यानी 40,000 के आसपास इंडिया का हो गया। अच्छा तो भाई बस यही कहना है, स्ट्रगल करना पड़ता है शुरू में जब आए तो क्या कैसा लगा था तुम्हें? बहुत याद आ रही थी करके, सच बताओ क्या मन कर रहा था कि वापस चले जाए? अच्छा नहीं लग रहा है तो सोच ही लिया था कि घर वापस चले जाए। अच्छा फिर बट जिम्मेवारी, जब घर की जिम्मेवारी याद आती है तो फिर मन बन। कई दिन तक ऐसा चला? कई महीने तक? एक आध महीने? एक दो महीना चला ऐसा, बहुत टेंशन। फिर धीरे 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 खुद आदत बनना स्टार्ट होगी, सर्कल अच्छा चलना लगा। तो अभी ये बताओ कतर में जॉब का क्या हाल चल रहा है? जॉब ठीक है, अच्छी। अभी नहीं, अभी जॉब मिल रही है कि अभी कम है जॉब? अभी थोड़ी कम हो गई है जॉब। पक्का? हाँ इन्फॉर्मेशन, अभी जॉब कम है जो हमने भी सुना है, वैकेंसी कम है, वैकेंसी कम होगी क्योंकि प्रॉपर्ली हर जगह काम प्रॉपर्ली चलना स्टार्ट हो गया। अच्छा जो नए आना चाहते हैं फ्रेशर बिल्कुल नए, तो कैसे ऑनलाइन देखें जॉब, कुछ आपको पता है? और कैसे पता करें ओरिजिनल कंपनी है जेन्युइन?
जल्दी से बताइए क्या इतना मैं एक्सपीरियंस भी वाला नहीं हूँ। अच्छा। मेरा भी फर्स्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था। अच्छा। मेरे को इतना पता, पर हाँ कोई बंदा कभी भी इंटरव्यू तो पहले किसी से पूछ ले, कोई अपना बड़ा हो या घर में या कोई हो उससे पूछ ले या बात कर ले कि कैसा है कि मैं ऐसे जा रहा हूँ। ऐसा नहीं, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा इसका बड़ा ज्यादा चला है एजेंटों का, फरोती बहुत ज्यादा चली है। अच्छा। एजेंट बोलते कुछ और है, करते कुछ और, फिर बंदा फंस जाता, फिर बाद में बोलता है कि अगर पहले बात की तो बाद में मेरे दिक्कत ना आए। तो भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अपना ख्याल रखो और अच्छे से काम करो और सेफ्टी से आपकी गाड़ी का आने का भी टाइम हो गया, 10 मिनट हो गए बात करते हुए। तो भाई अपना ख्याल रखो, अच्छे से काम करो और आराम से मत लाइफ जियो, कतर में जॉब करते हो, अच्छे से काम करो, पैसा इकट्ठा करो। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं फिर आपसे कभी। ठीक है, क्या नाम बताया? समीर खान। तो भाइयों ये समीर खान थे जिनसे हमने बात करी, इन्फॉर्मेशन लेने की पूरी कोशिश करी और जितनी भी हो सकी उतनी इन्फॉर्मेशन हमने ली है और आप लोग तक पहुँचाई है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जितने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके बाय।